हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मनोज बघेल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग करी कोच। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नए कोर्स की, जिसका नाम है घर बैठे इंग्लिश सीखें, जिसका कल मैंने आपको ओवरव्यू दिया था एंड आपको वो बेसिक बातें सिखाई थी, समझाई थी जिस तरह से हम लोग इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं। एंड आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जैसे कि मैंने बताया था, मैं पर डे के हिसाब से आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट? तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने बताया था, मेरी पहली कंडीशन यही है कि किसी भी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, जिसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, राइट? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी पहली क्लास का, राइट? तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि भाषा यानी इंग्लिश एक भाषा, और इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमें जो सबसे पहले जरूरत है वो जरूरत है उसके बेसिक्स को जानने की, राइट? तो भाषा हम शब्दों में नहीं बोल सकते, भाषा को हमेशा बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए किसी वाक्य की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने, मैंने पूछा वेयर, तो आप वेयर का क्या सेंस लगाएंगे? वेयर मतलब कहाँ, कहाँ से आ रहे हो, या कहाँ जाओगे, यहाँ कहाँ बैठोगे, या कहाँ खेलोगे, राइट? तो वेयर से हम अर्थ नहीं लगा सकते। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो, तो बात समझ में आएगी कि यस, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप कहाँ से आ रहे हो। इन द सेम मैनर किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में बिना वाक्य के हम सेंटेंस को नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो भाषा को सीखने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत है। अब बात करते हैं कि दुनिया के अंदर या दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, वहां सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दुनिया की हर भाषा के अंदर सेंटेंस सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, राइट? वो दो प्रकार कौन से होते हैं? पहला होता है एक्शन। एक्शन मतलब काम, यस। एक्शन का मतलब काम होता है। जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो हम बोलते हैं हम एक्शन कर रहे हैं, राइट? एंड दूसरा होता है नॉन एक्शन, यानी वे वाक्य जिनमें काम नहीं होगा, और एक वाक्य वो होते हैं जिनमें काम होगा। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या हो गया? एक्शन, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। और मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो ये क्या हो गया? एक नॉन एक्शन हो गया, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, राइट? तो ये एक एक्शन हो गया, क्योंकि यहां बोलने का काम हो रहा है। मैंने कहा माय नेम इज मनोज, मेरा नाम मनोज है, तो वहां एक्शन नहीं हो रहा। तो दुनिया की हर लैंग्वेज के अंदर दो तरह के वाक्य होते हैं। पहला टाइप होता है एक्शन, जिसमें काम होगा। दूसरा होता है नॉन एक्शन, जिसमें काम नहीं होगा। नाउ अब हमें ये जानने की जरूरत है कि किसी भी वाक्य में एक्शन कौन सा होता है। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, यानी काम क्या है, एक्शन क्या है? टीचिंग यानी पढ़ाना। मैं खेल रहा हूं, एक्शन क्या हो गया? खेलना। मैं सो रहा हूं, एक्शन क्या हो गया? सोना। मैं जा रहा हूं, एक्शन क्या हो गया? जाना। मैं आ रहा हूं, एक्शन क्या हो गया? आना। मैं टीवी देख रहा हूं, एक्शन क्या हो गया? टीवी देखना। यानी कि वो काम हमें इंग्लिश में एक्शन बोलना है, राइट? तो एक्शन मतलब काम, ठीक है जी? तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्शन सेंटेंसेस से। किससे? एक्शन। तो एक्शन सेंटेंस की बात करें तो आपने देखा होगा, क्योंकि हम आम बोलचाल भाषा में यानी कि डे टू डे लाइफ में जब हम घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा भाई घूम रहा है, या छोटी बहन घूम रही है, या कोई हमारी फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर गलत वर्ड है, मेंबर ऑफ फैमिली सही होता है, बच्चों की बोला जाता है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे जितने भी मेंबर ऑफ फैमिली हैं वो घूम रहे हैं, तो मैंने उनसे बोल दिया यार टीवी स्टार्ट कर दो, यार दरवाजा बंद कर दो, यार एक ग्लास पानी दे दो, यार यहाँ चले जाओ, या उसे कॉल कर दो। तो ये क्या है, डायरेक्ट हम किसी व्यक्ति को बिना उसके नाम को डायरेक्ट कमांड दे रहे हैं, हम उसे किसी काम को करने के लिए डायरेक्ट बोल रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इस कैटेगरी को या इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं कमांडिंग सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कमांडिंग सेंटेंस, राइट? तो कमांडिंग सेंटेंस को हमें बोलना कैसे है, तो जैसे अभी जानना आपने कि एक्शन मतलब काम, तो एक्शन हम ऐड करेंगे, एक्शन के साथ साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, अदर वर्ड्स। जैसे मुझे बोलना है यहां आओ, तो यहां मतलब हेयर और आना मतलब कम, तो मैंने बोल दिया कम हेयर, तो कम हेयर से मुझे बात समझ में आएगी यहां आओ, राइट? इसी तरह से मैं बात करता हूं, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, अभी मैं घर से वीडियोस बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट? तो मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए। तो मेरा पहला कमांडिंग सेंटेंस है कम हेयर यहां आओ, तो कम हेयर से मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि कम का मतलब आना है, यानी कि मैं पहले एक्शन लगाऊंगा उसके बाद में अदर वर्ड्स का यूज करूंगा। इसी तरह से कमांडिंग सेंटेंस में हमारा दूसरा वाक्य आता है गो देयर, मतलब कि वहां जाओ। इसी तरह से सिट आउटसाइड, बाहर बैठ जाओ,
यानी आउटसाइड मतलब बाहर और बैक मतलब सिट। इसी तरह से अगला आता है पास द रिमोट। फॉर एग्जांपल मैं टीवी देख रहा हूँ और टीवी देखते देखते मुझे आया कि मैं चैनल को चेंज करना है, रिमोट काफी दूर पड़ा है, मेरा भाई बैठा, मैंने उससे बोल दिया पास द रिमोट, यानी मैं डायरेक्ट किसी व्यक्ति को कमांड दे रहा हूँ, राइट। इसी तरह से स्विच ऑन द टीवी, टीवी को ऑन कर दो, टीवी को चालू कर दो। इन द सेम वे स्वीप द रूम, स्वीप द रूम की बात करें तो स्वीप मतलब झाड़ा लगाना होता है, झाड़ू लगाना होता है, तो कमरे का झाड़ू लगा दो, राइट। इसी तरह से मोप द फ्लोर, मोप द फ्लोर मतलब पोछा लगाना, कमरे का पोछा लगा दो। इसी तरह से लैच द डोर, लैच होता है चटकनी, राइट, कुंडी जिसे हम बोलते हैं, तो लैच द डोर चटकनी लगा दो, राइट। इन द सेम वे लिटर द पार्क, लिटर होता है गंदगी करना, तो पार्क को गंदा कर दो, राइट। इसी तरह से हम बात करते हैं ड्रॉ द कर्टेन, जैसे कि कल मैंने बात कर्टेन की बताई थी, पर्दा, पर्दे को खींच दो, पर्दा लगा दो, हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होगा, ड्रॉ द कर्टेन। इसी तरह से लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो, लिसन टू मी, राइट। इसके अलावा स्पीक इंग्लिश, जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं स्पीक इंग्लिश, तो इन सारे वर्ड्स को, इन सारे सेंटेंसेस को जब हमने सीखा तो उसमें हमने एक्शन लगाया, एक्शन के बाद में वो अदर वर्ड्स का यूज किया, तो ये हो गए हमारे कमांडिंग सेंटेंस, जिसमें हम डायरेक्ट भी किसी व्यक्ति को इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उस व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में हम बात करें तो आता है डिनाय, डिनाय मतलब मना करना, मैं किसी चीज से एग्री नहीं करता और मना करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कम हियर, राइट, तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ मत आइए, यहाँ मत के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, डोंट, राइट। तो डिनाय सेंटेंस में जैसे हम डोंट को अप्लाई करते हैं तो डोंट के बाद हमें एक्शन लगाना है, उसके बाद में अदर वर्ड्स, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ डोंट को आगे लगा देना है, राइट। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, डोंट कम हियर, डोंट गो देयर, डोंट सिट आउटसाइड, डोंट पास द रिमोट, तो इसी तरह से हम सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि डिनाय वाले सेंटेंस में कई बार हम नेवर का भी यूज करते हैं, और नेवर का यूज करते हैं तो नेवर होता है कभी भी नहीं, यानी कि जब हम काम के लिए ये बोल रहे हैं कभी भी ऐसा मत करो, डोंट में हमने क्या बोला ऐसा मत करो, और नेवर में क्या बोला कभी मत करो, राइट। तो यहां कभी मत आओ, नेवर कम हियर, कभी किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी इंसल्ट मत करो, नेवर इंसल्ट एनीवन, राइट, कभी धूम्रपान मत करो, नेवर स्मोक, राइट। तो नेवर का हम कब यूज करेंगे, जब हमें किसी भी सेंटेंस में ये बोलना है कि कभी ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आपकी स्क्रीन पे ये जो सेट दिया हुआ है इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप सीख पाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आएगी। देखा जाए तो हमने 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कहीं ना कहीं इंग्लिश को सीखा ही है, बट हम बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने के पीछे जो साइंस है वो यही है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, यानी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सीख पाओगे, उतना ही अच्छा बोल पाओगे, राइट। तो उसी कैटेगरी में हम तीसरी कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास होता है रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस। तो आम बोलचाल में जहां हम कमांड की भी बात करते हैं, जहां हम डिनाय की बात करते हैं, वहां पे हमें रिक्वेस्ट भी करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे बड़ा है एज में, मुझसे बड़ा है औहदे में, राइट, तो मैं क्या करूंगा, उनके साथ रिक्वेस्ट करूंगा, राइट। जैसे मेरी मदर है, मैं टीवी देख रहा हूँ, राइट, मुझे रिमोट चाहिए, तो मैं मदर से पास द रिमोट, मैं क्या बोलूंगा, प्लीज पास द रिमोट, क्योंकि वहां पे वो मेरे लिए रेस्पेक्टफुल है, तो मैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए किस वर्ड का यूज करूंगा, प्लीज का, राइट। तो मेरे पास स्ट्रक्चर वही है, एक्शन प्लस अदर वर्ड्स, लेकिन उससे पहले मुझे क्या ऐड कर देना, प्लीज, राइट। तो प्लीज लगा करके मैं उन सेंटेंसेस को अप्लाई कर लूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने 12 सेंटेंसेस दिए हैं, 12 सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है, पहले कमांडिंग फॉर्म में, उसके बाद डिनाय फॉर्म में, डोंट के साथ, नेवर के साथ, अब बात करेंगे रिक्वेस्टिंग के साथ। तो रिक्वेस्टिंग के लिए हम लोग प्लीज लगा देंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज पास द रिमोट, प्लीज मोप द फ्लोर, तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे तीनों वाक्य समझ में आए होंगे, तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, मैंने आपको सिर्फ 12 सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कराई है, आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करनी है। नाउ अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है या कोई पर्सन है जिन्होंने इंग्लिश को छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका है, तो वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपके घर में आपके बच्चे की कोई ना कोई इंग्लिश की किताब होगी, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड की हो, जब आप उसमें जाएंगे तो वहां पे वर्ब करके एक चैप्टर होगा, उस वर्ब को खोलिए, तो जैसे आप वर्ब खोलेंगे तो वहां पे उसमें बहुत सारे वर्ब यानी कि एक्शन दिए होंगे, राइट। तो वो सारे एक्शंस को आप
पढ़ लें, उन्हें रूटीन में अप्लाई कर लें, उन्हें रेगुलर या बोल सकते हैं एक तरह से याद कर लें। तो जितने ज्यादा एक्शंस आपको याद होंगे उतना ही आसान आपके लिए प्रैक्टिस करना होगा, राइट। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 12-15 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई, उसके बाद में आप कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी सी कि आपको मैक्सिमम वर्ब्स याद होने चाहिए। वर्ब्स को याद करने के लिए मैंने बता दिया आपको, है ना। मैं कोशिश करूंगा कुछ फोटो खींच करके मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आप उन वर्ब्स के साथ जाकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। घर में अब से इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, राइट। जितने भी लोग हैं आपस में इंग्लिश बोलिए, राइट। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पर डे के हिसाब से वीडियोस डालूंगा, एंड हमारा कोर्स, क्योंकि अभी मैं पहला मेरी क्लास है तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं किया है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। और फिर जैसे जैसे कोर्स एडवांस होता जाएगा, दिन जाते जाएंगे, राइट, तो हम लोग बहुत अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। सो अगेन, मेरा कोर्स को समझने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जल्दी से इंग्लिश सीख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।